पहले देख लेते हैं कि बुधवार यानी कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो एफएनओ स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने तो बिकवाली दर्ज की है, 4,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर आया है, लेकिन घरेलू बाजार में ये जो घरेलू संस्थागत निवेशक है उनकी तरफ से 900 करोड़ से अधिक की खरीदारी हाथ लगी है। 372 करोड़ के आसपास की कैश स्पेस में एफआईआईज ने की है खरीदारी। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिलते दिख रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगी रणनीति, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, अब जो संकेत मिलते दिख रहे हैं सर फाइनली, और अमेरिका का प्रदर्शन जैसा रहा है, हमारे मार्केट्स की रणनीति में कोई बदलाव होगा सर, कोई महत्वपूर्ण लेवल्स चेंज होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए कोई खास बदलाव होने वाली बात है नहीं। वैसे जो कुछ संकेत अमेरिका से है बहुत मजबूती के तो नहीं है, क्योंकि ब्याज दरें तो उम्मीद के मुताबिक बढ़ाई, लेकिन अभी भी फेड चेयरमैन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं, थोड़ी सावधानी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि अगली पॉलिसी भी फिर उसी लिहाज से और इम्पोर्टेंट होंगी ही। तो ये आपके लिए संकेत अमेरिका से है। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, ठीक है हमारे बाजार बढ़िया है। इनफैक्ट निफ्टी पर आप देखें तो कल भी हमने लाइफ टाइम हाई बनाया, इतिहास में पहली बार हमने 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखी। तो हमारे बाजार ठीक है, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। कि 18,500 और 18,700 ये 200 पॉइंट की रेंज जिसमें बाजार बंद होते हुए दिखे, तो 18,725 के ऊपर बंद होंगे तो फिर 19,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, 18,500 के नीचे बंद होंगे तो थोड़ी कमजोरी और बढ़ेगी। और जब तक इस 200 पॉइंट की रेंज में क्लोजिंग बेसिस पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तब तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, अगर गैप से नीचे खुले तो खरीदना है, जितना ज्यादा नीचे गैप से खुले उतना जल्दी उतना ज्यादा खरीदना है, और खरीदने के लिए जो अच्छी जगह है वो है 18,525 से 18,600, इस रेंज में टुकड़ों में आपको करनी है खरीदारी। ऊपरी स्तरों पर 18,700 18,775 वो रेंज है, इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी निफ्टी की हो गई। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इमीडिएटली जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 43,700 से 43,775, ये 75 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए तुरंत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और बैंक निफ्टी जब तक 43,500 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक कहीं कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। अब 44,000 के ऊपर लाइफ टाइम हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं, आगे कोई बहुत बड़े डेटा है नहीं। एक बार मैं थोड़े से वायदा कारोबार के डेटा को ध्यान में रखकर ऊपर की रेंज देना चाहता हूँ, वो है 44,350। इफेक्टिवली 44,500 तक की जगह खुल रही है। आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक्शन दोनों तरफ देखने को मिलेगा। तो चूंकि संकेत थोड़े से ढीले हैं, कमजोर शुरुआत के हैं, तो नीचे खुलने के बाद हम एक रिकवरी दिखाने की दिन के दौरान कोशिश करेंगे। ऐसे में अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने का रुझान बनना चाहिए जी।